आज बात सोनभद्र के ओबरा डैम की। ओबरा अपनी प्राकृतिक छवि के लिए जाना जाता है। साल 1967 से पहले पूरा इलाका जंगलों से घिरा था। हर तरफ जंगल और पानी से सराबोर नदियां। लेकिन 1967 में ये घना जंगल एक इंडस्ट्रियल एरिया में बदल गया। साल 1967 ही वो समय था जब सोनभद्र के ओबरा में बिजली उत्पादन के लिए एक पावर प्लांट बनाने की शुरुआत रूसी इंजीनियरों ने की थी। साल 1971 में ये प्लांट बनकर तैयार हो गया। प्लांट ने 1550 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू किया। ये तो था ओबरा पावर प्लांट का इतिहास। अब ओबरा डैम के बारे में भी ऐसे कुछ रोचक तथ्य जान लीजिए जिसे शायद ही आपने सुना होगा। हमारी टीम ओबरा डैम का इतिहास जानने के लिए खुद ओबरा डैम पहुंची। काफी प्रयास के बाद ओबरा डैम में दाखिल होने की इजाजत मिली। ओबरा डैम न सिर्फ बिजली उत्पादन का केंद्र है बल्कि मछली उद्योग के लिए भी एक बड़ा साधन है। कई मछुआरों का गुजारा भी इसी डैम पर निर्भर करता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ओबरा डैम रिहंद बांध का सहायक डैम है, क्योंकि रिहंद बांध के पानी का ही इस्तेमाल ओबरा डैम करता है। ओबरा को थर्मल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी कहा जाता है। थर्मल स्टेशन में 13 इकाइयां हैं, जिसकी कुल क्षमता 1550 मेगावाट है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की अधिकतम क्षमता 99 मेगावाट है। थर्मल पावर स्टेशन बी में भारत की पहली 200 मेगावाट की इकाइयां हैं। भेल और एलएनटी जैसी कंपनियों से भारी प्रतिस्पर्धा को पीछे छोड़ते हुए दक्षिण कोरियाई की डीपीएसआई ने उत्तर प्रदेश में 1320 मेगावाट की दो सुपर क्रिटिकल परियोजना का निर्माण किया। अभी ओबरा प्रोजेक्ट सी का काम चल रहा है, जिसमें 1320 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जिसे 10,416 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया जा रहा है। ये एक ग्राउंड फील्ड परियोजना है जो जल्द ही पूरा होने वाली है। सोनभद्र का पहला रेडियो स्टेशन ओबरा में ही स्थित है। ये 28 फरवरी 1993 में स्थापित हुआ था, जिसकी हिंदी और भोजपुरी मुख्य भाषाएं हैं। यहाँ का पत्थर भी काफी कीमती है, क्योंकि यहाँ के पत्थरों से ही सीमेंट और गिट्टी का निर्माण किया जाता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट भी है, साथ ही कई सारे क्रेशर प्लांट भी यहाँ मौजूद हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।